नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अर्जुन। आप देख रहे हैं नैतिक टीवी को। दोस्तों, जैसा कि आपको पता ही होगा कि उत्तर प्रदेश में करारी हार के बाद बसपा सुप्रीमो मायावती अब तमाम नेताओं को आपको बता दें कि पार्टी से बाहर करने का काम कर रही हैं। खासकर ब्राह्मण समाज के नेताओं को पार्टी से निकालना मायावती ने अब शुरू कर दिया है। हाल ही में आपको बता दें कि रितेश पांडे सहित अन्य 7 नेताओं को मायावती ने अपनी पार्टी से हटा दिया है। इसी बीच आपको बता दें कि एक बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है कि इस होली के बाद बसपा सुप्रीमो मायावती एक बड़ा ऐलान कर सकती हैं, अपनी पार्टी में बड़ा फेरबदल कर सकती हैं। होली होने के बाद आपको बता दें कि मायावती कुछ बड़ा फैसला लेंगी, जिससे आपको बता दें कि पार्टी को काफ़ी ज़्यादा फायदा हो सकता है। जी हां मित्रों, जैसा कि आपको पता ही होगा कि तमाम बहुजन समाज के लोगों में करारी हार के बाद बसपा सुप्रीमो मायावती के प्रति और पार्टी के रूल और रेगुलेशन के प्रति काफ़ी ज़्यादा आक्रोश है। खासकर आपको बता दें कि हारने की बजाय सतीश चंद्र मिश्रा को बताया जा रहा है कि ब्राह्मणों की वजह से पार्टी को आज ये दिन देखना पड़ा है कि जहां पर आपको बता दें कि 2017 में बहुजन समाज पार्टी को 22% वोट मिला था, इस बार केवल 12% ही वोट मिला है। आपको बता दें कि जाटव समाज का लगभग 10% वोट समाजवादी पार्टी की तरफ शिफ्ट हुआ है, जिससे कि आपको बता दें कि मायावती अब लगातार जाटव समाज को साधने का काम कर रही हैं। आपको बता दें कि जो संसदीय हैं उसमें आपको बता दें कि रितेश पांडे को हटाकर गिरीश चंद्र जाटव जी को वहां पर आपको बता दें कि पार्टी में जगह दी गई है। तो कहीं ना कहीं अब मायावती समझ चुकी हैं कि जाटव समाज उनसे नाराज है। अब वो जाटव समाज को मनाने के लिए आपको बता दें कि तमाम जाटव समाज के नेताओं को बड़े बड़े पद देना शुरू कर चुके हैं। और यह खबर निकल कर सामने भी आ रही है कि अब सर्वजन हिताय से सर्वजन सुखाय से बहुजन हिताय बहुजन सुखाय पर पार्टी का जो है जनाधार बढ़ने लगा है। तो आपको बता दें कि बसपा सुप्रीमो मायावती होली निकलने के बाद कुछ बड़ा फैसला लेंगी और बहुजन हिताय बहुजन सुख को अपनाकर बहुजन समाज पार्टी को सत्ता में ला। आपको बता दें कि अब 5 साल बाद आपको बता दें कि जो विधानसभा के चुनाव होंगे 2024 में भी आपको बता दें कि लोकसभा का चुनाव होगा, लेकिन अब पार्टी क्या प्रदर्शन बहुजन समाज पार्टी को बहुजन खासकर जाटव समाज का वोट मिल पाता है या नहीं, आपकी क्या राय है, क्या जाटव समाज या अन्य जो बहुजन समाज के लोग हैं वो वाकई में मायावती से नाराज हैं या नहीं, कीमती प्रतिक्रिया कॉमेंट करके बताएँ। चलिए मिलते हैं किसी अन्य खबर में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।